हाय गाइस, मेरा नाम है अनमोल और आप सबका डीपीटी पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल सिम्बल्स इन इंडिया। जी दोस्तों, हमारा जो नेशनल सिम्बल्स है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हमारा राष्ट्रीय फ्लैग क्या है, राष्ट्रीय एंथम क्या है, पूरा हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो जो मेरा पहली बार चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम बोलते हैं नेशनल फ्लैग क्या है हमारा। तो हमारा नेशनल जो फ्लैग है वो है तिरंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ तिरंगा, TIRANGA तिरंगा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों। फिर नेशनल एम्बलम क्या है। नेशनल एम्बलम वो है मेरा लायन, LION लायन, CAPITL कैपिटल ऑफ अशोका, ASHOKA अशोका। आई होप दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं नेशनल मोटो। नेशनल मोटो हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये मैं लिखता हूँ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आई होप आप लोगों को दोस्तों दिखा होगा सत्यमेव जयते, ये हमारा नेशनल मोटो है। फिर नेशनल एंथम क्या है दोस्तों, हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जन गण मन। आई होप दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल एंथम जो हमारा है ये किसने कंपोज किया है। तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा नेशनल एंथम कौन सा है, कंपोज किसने किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब किया था, तो 1911 में, ठीक है दोस्तों। ऐसी तरह आता है नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है दोस्तों, तो वो है हमारा वंदे मातरम, VANDE वंदे मातरम, MATARAM मातरम। वंदे मातरम क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हमारा नेशनल जो सॉन्ग है वो किसने लिखा था। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को आना चाहिए। ये जो लिखे थे बंकिम चंद चटर्जी हैं दोस्तों, ठीक है। बंकिम चंद चटर्जी जो है हमारे ये नेशनल सॉन्ग लिखे हैं, कंपोज किए हैं, ठीक है। फिर आता है नेशनल डेज। हम नेशनल डेज कब मनाते हैं, तो हम नेशनल डेज किसको बोलते हैं, तो नेशनल डेज हम लोग का हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस डे को, और रिपब्लिक डे, REPUBLIC रिपब्लिक डे। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर इसी तरह आता है आपको नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा, हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है, इसे हम लोग सब मानते हैं, ठीक है। नेशनल एयरलाइन जो हमारी फ्लाइट जोड़ती है वो कौन सी है नेशनल, तो एयर इंडिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेशनल करेंसी क्या दोस्तों, इंडियन रूपी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल कॉस्ट्यूम क्या है हमारे दोस्तों। नेशनल कॉस्ट्यूम जो हम पहनावा जो पहनते हैं ना, तो ये है वामेन के लिए है, साड़ी आता है, ठीक है। साड़ी यहाँ लिखता हूँ साड़ी, ठीक है। एंड जो जेंट्स के लिए आता है तो क्या होता है, धोती, DHOTI धोती, ठीक है। साड़ी एंड धोती, ये कॉस्ट्यूम है। फिर नेशनल कैलेंडर दोस्तों हम लोगों का क्या है, नेशनल कैलेंडर है तो हम लोग का साका कैलेंडर। आप लोगों ने पढ़ा होगा साका कैलेंडर, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा साका कैलेंडर, मैं यहाँ लिख देता हूँ साका, SAKA साका कैलेंडर, CALENDAR, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों हम लोगों का, नेशनल कलर कौन कौन सा है दोस्तों। तो हम लोग का नेशनल कलर तो सेफ्रॉन, SAFFRON सेफ्रॉन है, ऑरेंज है, ब्लू है, वाइट है, एंड और ग्रीन है, ठीक है दोस्तों। ग्रीन, GREEN ग्रीन, जो कि हमारे फ्लैग में लगे हुए कलर है, ठीक है। फिर नेशनल फ्लावर, ठीक है दोस्तों, नेशनल फ्लावर हम लोग का क्या है, तो वो है लोटस, LOTUS लोटस। नेशनल ट्रीज क्या है दोस्तों, नेशनल ट्रीज जो हम लोग कहते हैं वो है बनियान ट्री, BANYAN बनियान ट्रीज। फिर नेशनल फ्रूट क्या है दोस्तों हम लोगों का, नेशनल फ्रूट्स, तो नेशनल फ्रूट्स हो गया हम लोगों का मैंगो, आम,
MANGO मैंगो, मैंगो मतलब पता ही होगा दोस्तों आप लोग, आम बोलते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट आता है नेशनल वेजिटेबल्स, नेशनल वेजिटेबल्स बोलते हैं PUM PKIN, पम्पकिन को बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोहड़ा, ठीक है दोस्तों, PUM PKIN, ठीक है दोस्तों। फिर नेशनल डिश, हम लोग का डिश क्या है तो बोलते हैं खिचड़ी, KSICHDI, ठीक है। नेशनल बीवरेज क्या है दोस्तों तो लस्सी, LASSI, लस्सी, ठीक है दोस्तों। अभी नेशनल स्वीट्स क्या है, नेशनल स्वीट्स तो हमें बोलते हैं लड्डू, LADDU। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, नेशनल लड्डू, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स हम लोग कौन सा है, नेशनल स्पोर्ट्स तो नेशनल स्पोर्ट्स है तो फुटबॉल, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, सॉरी हॉकी, 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 HOCKEY हॉकी, लेकिन ये ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम लोग मानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो सकता है, हॉकी, क्योंकि हम लोग खेलते हैं। नेशनल हेरिटेज बर्ड, नेशनल हेरिटेज बर्ड बोलते हैं सारस, SARUS, सारस, सारस क्रोन, CRONE, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड हम लोग क्या है, PEAFOWL, ठीक है दोस्तों। ये बर्ड क्या है हम लोग का दोस्त, नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड क्या है, PEAFOWL। ये देखने में हम लोग बोलते हैं पीकॉक, पीकॉक, लेकिन पीकॉक ही जैसा ये है, ठीक है दोस्तों। नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल हम लोग का क्या है दोस्तों, नेशनल एनिमल, तो नेशनल एनिमल हम लोग को पता ही है, बंगाल टाइगर, BENG, बंगाल टाइगर, TIGER, बंगाल टाइगर, ठीक है दोस्तों। नेशनल मैमल, नेशनल मैमल क्या है, लंगूर को बोलते हैं, GRAY, ग्रे, LONGUR, लंगूर, ठीक है दोस्तों, आप लोग को दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेशनल रेप्टाइल, नेशनल रेप्टाइल क्या है हम लोग का दोस्तों, कोबरा, किंग कोबरा, KING, किंग, COBRA, किंग कोबरा। फिर नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, नेशनल बटरफ्लाई, नेशनल बटरफ्लाई में क्या बोलते हैं, KAISER, केसर, केसरिया हिंद, जो बटरफ्लाई है केसरिया हिंद बोलते हैं, जो हमारा नेशनल बटरफ्लाई है। नेशनल फिश मछली, नेशनल फिश मछली जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखता हूँ MACKEREER, ठीक है दोस्तों। नेशनल एक्वाटिक, नेशनल एक्वाटिक बर्ड, नेशनल एक्वाटिक बर्ड कौन सा दोस्तों, तो वो है किंग फिशर, एक्वाटिक बर्ड तो रिवर, किंग फिशर, FISHER, आई होप दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, किंग फिशर। फिर नेशनल रिवर, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल रिवर कौन सा है, गंगा, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर फ्लो करती है दोस्तों, ये है 2525 किलोमीटर, को बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे 2510 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दोनों याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर को पता होगा, सतपथ ग्लेशियर है, वहां से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि गंगा सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में फ्लो करती है, तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे जब कम कहां, तो झारखंड में, ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कितने कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नंबर थ्री में आता है आपका बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। फिर आता है नेशनल लेक, हम लोग का नेशनल लेक क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, NAKKI, नाकी, ठीक है। फिर हम लोग का नेशनल माउंटेन दोस्तों, वो हम लोग का नंदा, NANDA, नंदा देवी, आई होप दोस्तों आप लोगों को स्पेलिंग भी दिख रहा होगा। नेशनल इंसेक्ट, नेशनल इंसेक्ट क्या है दोस्तों हम लोगों का, तो होता है ज्ञान, GIANT, ज्ञान, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, SCORPI, स्कॉर्पियन, इसको हम बिच्छू जैसा होता है, ठीक है दोस्तों, बिच्छू ही मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेशनल डांस, नेशनल डांस क्या होता है दोस्तों, भरतनाट्यम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, भरतनाट्यम।
ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट का भी ये नेशनल है, तो आपको बताना चाहिए तमिलनाडु का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नेशनल डांस कौन सा है, भरतनाट्यम। इसके मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर आता है नेशनल इंस्ट्रूमेंट, हमारा नेशनल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो नेशनल इंस्ट्रूमेंट वीणा, आप लोगों ने देखा होगा वीणा, ठीक है वीणा वीणा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी हम लोग का कौन सा है, तो ये होता है नेशनल, नेशनल एल आई बी आर ए आर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल म्यूजियम, तो नेशनल म्यूजियम कौन सा है, तो एन ए टी आई ओ एन, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। आई होप आप लोग दोस्तों दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा। और आप लोगों को मैं बहुत, मेरा उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि बहुत ही कम समय में आप लोगों के बहुत सारा क्वेश्चन करा दूं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे देख लेना एक बार, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।